और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। गजर में बर्फबारी से बंद चारोहों को ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया जा सका, जिस बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रही हैं दुर्दाना शेर जी, दुर्दाना अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लगातार में गुज़र रोज़ होने वाली बर्फबारी के साथ इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं गाकुज में मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी बर्फबारी के साथ ही इलाके में सर्दी बढ़ने के साथ जहाँ पे आवाम को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, तो वहाँ पे बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग ने भी आवाम को परेशान करके रख दिया है। अगर मैं बालाई इलाकों की बात करूँ, खुद की फंडेर और दरकुद के एरिए में भी इस वक्त शदीद तरीन बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका रह गया है और लोग अपने घरों में तक महदूद हो गए हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनको भी हैंजम में सोख्तनी की अदम दस्तियाबी ने परेशान करके रख दिया है, जबकि राबता सड़कें भी बंद होने की वजह से आमदरफ्त में भी खलल पड़ रहा है। गिलगित चतराल रोड चंदूर के मुकाम पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से आवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में भी परेशानी का सामना है। दूसरी जानब अगर मैं यहाँ के आवाम के दिगर मसाइल की बात करूँ, खसूसन ईंधन की अदम दस्तियाबी और गैस न मिलने से आवाम की परेशानियाँ रोज बरोज पड़ रही है। यहाँ के आवाम ने मुतालबा किया है कि हैंजम में सोखनी की जो कीमतें बढ़ रही है उनमें कमी अमल में लाई जाए ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं इनमें कमी हो सके।